कदम चूमती है, जो अपने मिशन को, अपने कॉज को सामने रखते हुए जद्दोजहद जारी रखते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है और फिर तारीख लिखती है। तारीख लिखती है कि कुछ चंद सर फिरे थे जिन्होंने इस नाइंसाफी को महसूस किया और उन्होंने आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई तो दूसरे साथियों ने लब्बैक कहते हुए उनके शाने से शाना जोड़ दिया। तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। क्योंकि न मराद चाहिए न खैरात चाहिए, न मराद चाहिए न खैरात चाहिए, मुझे मेरे वास्ते इंसाफ चाहिए। यहाँ इंसाफ के लिए जमा है। अरबाब इक्तदार से गुजारिश है कि हमारे इस एहतजाज को संजीदगी से लें और फिल फौर हमारे इस मामले को, इस मसले को हल करें। खुदारा इस एहतजाज को हल्का ना लें, क्योंकि अब अगला मरहला जो कि हम समझते हैं कि शायद ना हो और अरबाब इक्तदार की आंखें खुल जाएं और वो हमारे मुतालबात को जो कि जायज है तस्लीम कर लें, वगरना आइंदा जो है ऐसा ना हो कि पूरा हॉस्पिटल की तालाबंदी कर दी जाए, पूरे सिंध के अंदर तालाबंदियां कर दी जाए। मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। अच्छा, ये कोई हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। पंजाब में ये अलाउंस मिल रहा है, केपीके में मिल रहा है, बलूचिस्तान में भी गालिबन मिल रहा है, तमाम लोगों को मिल रहा है। सिर्फ हम मजलूम लोग हैं कि जिनको ये अलाउंस ना दिया जा रहा है और ना देने के लिए कोई सुनगुन मिल रही है। बहरहाल वो उनका काम है, वो जाने। हमारा काम ये है कि हम जुर्दाना की बुनियाद पर जैसे जैसे हिदायत मिलती जाएंगी हम अपना लाह अमल तय करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी शहर कराची में जेपीएमसी एनआईसीएच, इसी शहर कराची में जिन्हें ये अलाउंस मिल रहा, इसी शहर कराची में जेपीएमसी और एनआईसीएच है, वो आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है और हम कोई इसराइल के यहूदी नहीं है कि जो हमें ना मिले और उनको मिल रहा है। तो साथियों, हमारा इत्तेहाद और हमारे